नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी का महापर्व आ रहा है, जो 31 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इस दिन लोग अपने घर में श्री गणेश जी को विराजमान करते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में सभी को ही पता है कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। ऐसा करने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही में सारे बिगड़े हुए काम भी सफल हो जाते हैं। इस गणेश चतुर्थी अगर आप भी अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें। खाने में जैसे लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें और गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना वर्जित है। गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से शुभ फल नहीं मिलता। दरअसल तुलसी ने भगवान गणेश जी को शादी का प्रस्ताव दिया था, जिससे गणेश जी ने अस्वीकार कर दिया था और उन्हें श्राप दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने उन्हें राक्षस से शादी करने का श्राप सुना दिया। इस कारणवश गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता है। घर में गणेश जी की स्थापना के लिए नई मूर्ति ही खरीद कर लाएं। अगर आपके पास कोई पुरानी मूर्ति रखी है तो उसे पहले विसर्जित कर दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि एक साथ गणेश जी की दो मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। पूजा के समय काले और नीले रंग के वस्त्र को नहीं पहनना चाहिए। हाँ, शनि देव की पूजा के समय काले रंग का वस्त्र आप पहन सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए गणेश जी की पूजा में काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हो सके तो आप पीला रंग का वस्त्र पहने, यह बहुत शुभ रहेगा। अगर भगवान गणेश जी की मूर्ति के पास अंधेरा है तो ऐसे में दर्शन नहीं करने चाहिए। अंधेरे में भगवान की मूर्ति के दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता है।